हे गाइस, चलो आओ आज सीखते हैं कि स्ट्रेसेस की वजह से स्ट्रेन डेवलप होती है या स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होती है। तो याद रखिएगा, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेसेस आपकी डेवलप होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सब इस चीज को समझने के लिए मैंने यहां पर एक बॉडी कंसिडर करी और दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा मॉलिक्यूलर फोर्स और ये एक सेट गैप को मेंटेन रखेंगे। अगर आप इसके गैप को डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे तभी ये रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहां पर कर दी एक्सटर्नल लोडिंग। जैसे ही एक्सटर्नल लोडिंग करेंगे अल्फा बीटा दूर दूर जाएंगे तो स्ट्रेन आएगी। उस स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए ये क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसी को मैथमेटिकली अगर आपको समझना है, y इज इक्वल टू mx तो आप पढ़ चुके हो। y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x पर डिपेंड करता है, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y की जगह अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखोगे, y की जगह क्या है, सिग्मा, x की जगह एप्सिलॉन है। तो सिग्मा किस पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करो। थैंक यू।